उभरते सितारे हमारे इस खास कार्यक्रम में मैं पूजा शर्मा आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दिनों दिन YouTube पर अपनी प्रतिभाओं को साझा करने व उनसे फीडबैक प्राप्त करने का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में भला हमारे रायपुराइट्स पीछे कैसे हट सकते हैं। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं ऐसे यूट्यूबर गौरव से जिन्होंने अपने सिंगिंग के द्वारा काफ़ी लोगों के दिलों में जगह बनाई है। तो गौरव जी हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच और नमस्कार सभी आपको और हम पूरे दर्शकों को। सबसे पहले मैं नमस्कार बोलना चाहूँगा। गौरव जी सबसे पहले आप बताइए कि आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो आपने इंजीनियरिंग के क्षेत्र को छोड़ के सिंगिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाया, ऐसा क्या कारण था? एक्चुअली जो हमारा जो ऐसा नहीं है कि मैंने इंजीनियरिंग की है और उससे मुझे कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। बट मुझे ऐसा लगा इंजीनियरिंग करते कि मैंने कुछ सीखा नहीं है, जस्ट मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, थ्योरेटिकल नॉलेज ले रहा हूँ और इसके अलावा मेरे पास कोई भी एक प्रैक्टिकल नॉलेज है नहीं कि मैं आगे उससे कुछ कर पाऊँ, इंजीनियरिंग का मैं यूज़ कर पाऊँ। वो तो रही बात। एक बात ये है कि मैं आफ्टर इंजीनियरिंग मैं दिल्ली गया आगे के एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए। वहाँ कुछ म्यूज़िक के लिए मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। मैंने क्या किया, मैं एक गिटार ख़रीदा था मैंने और मैं वो गिटार लेके दिल्ली गया और मैं सोचा कि मैं वहाँ पे कुछ सीखता हूँ, थोड़ा बहुत मैं सीख लूँगा पढ़ते पढ़ते भी। बट ऐसा हुआ कि वो सीखते सीखते ऐसा हुआ कि मेरे इंजीनियरिंग से ही ध्यान हट गया। मुझे लगा कि नहीं यार कि म्यूज़िक पे कुछ हो सकता है। तो जब मैं वापस रायपुर आया तो मैंने फिर म्यूज़िक की फील्ड चुनी और फिर मैंने सीखना चालू किया म्यूज़िक, तो वैसे ही शुरुआत हुई। अच्छा, तो आपने म्यूज़िक के क्षेत्र को चुना तो यूट्यूब जिसमें आप अपने गाने को डालते हैं तो यूट्यूब में इतने सारे एक दूसरे को कंपटीटर देने वाले, इतने सारे टक्कर देने वाले यूट्यूबर्स हैं, तो क्या आपको इस बीच में कभी ऐसा लगा कि आपको कोई ज़्यादा चुनौती दे रहा है या आप कहीं कम रूप से अपनी प्रतिभा को इनके सामने रख पा रहे हैं इन चुनौतियों को देखते हुए? शुरुआती मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत इस प्लेटफॉर्म के लिए मैं बहुत छोटा हूँ, है ना। रायपुर के बहुत सारे यूट्यूबर हैं, उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं। बट धीरे धीरे जब मैं सीखता गया, मुझे ऑलमोस्ट अभी 1 ईयर हो रहे हैं कि आज मैं YouTube पे ऐसा कुछ जनरेट कर पा रहा हूँ जो मुझे देना था, लोगों तक पहुँचाना था। मैं लोगों का एंटरटेन करना चाहता हूँ और YouTube पे ऐसा है कि ऐसा कोई कंपटीशन है नहीं। अगर आप अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं, आप अगर अच्छा गाते हैं, आपकी सिंगिंग अगर लोगों को पसंद आती है तो वो इतना प्यार देंगे कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो इसमें कॉम्पिटिशन की बात नहीं होती, सब अपने फील्ड पर सब अच्छे हैं। तो क्या आपको लगता है कि अपनी प्रतिभा को, अपनी सिंगिंग की प्रतिभा को लोगों तक पहुंचाने के लिए YouTube आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है? हाँ, YouTube सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप घर पे बैठे हुए लोगों तक सिंगिंग पहुंचा सकते हैं या कोई भी चीज़, जैसे आप कुकिंग करते हैं या कोई भी पेंटिंग करते हैं, आप सब डाल सकते हैं वहाँ पर। इसके लिए आपको ना पैसे खर्च कर रहे हैं, आप फ्री पे एक चैनल क्रिएट करें और उसके थ्रू लोगों का एंटरटेन करें या जो भी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचानी है पहुँचा सकते हैं। तो YouTube के अलावा आपने अभी तक कितने ऐसे लाइव परफॉर्मेंस किए हैं? मैंने बहुत से लाइव परफॉर्मेंस किए हैं, अभी ज़्यादा तो नहीं, कम से कम मैंने 5 से 8 लाइव परफॉर्मेंस किए हैं। बट उसकी एक लिमिटेशन होती है, अभी आप फेमस नहीं हैं, आपको कोई जानता नहीं है, वहाँ पे कितने आपको 200-300 लोग देखेंगे। बट YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप इंडिया लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अपनी सिंगिंग को ले जा सकते हैं, तो इसीलिए मैंने YouTube पे फोकस करना ज़्यादा सही समझा। तो अभी तक आपके सिंगिंग क्षेत्र से जुड़ने के बाद आपको कितनी सारी उपलब्धियाँ मिली हैं? जब मैंने फर्स्ट अपना वीडियो डाला था YouTube पे तो मैंने जस्ट कैमरे से रिकॉर्ड करके डाला था। उस वीडियो को देख के, वो कुछ खास नहीं था, जस्ट ठीक था, बट उस वीडियो को देखने के बाद मेरे कॉलेज के ही मेरे क्लासमेट्स, जो मतलब उनसे मेरी ज़्यादा बातें नहीं होती थी, उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया कि हम एक ओरिजिनल सॉन्ग पर काम कर रहे हैं तो तुम इंटरेस्टेड हो क्या। मैंने कहा ठीक है। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि उस गाने की कंपोजिशन मैंने की, म्यूज़िक मैंने नहीं दिया, म्यूज़िक मेरे फ्रेंड गगन विरदी ने दिया और वो गाना आज यूट्यूब पे ऑलमोस्ट 10,000 व्यू पहुंच रहा है, 6 महीने ही हुए हैं उस वीडियो को। एज अ सिंगर आप अपने आप को, अपना फ्यूचर कहाँ देखना चाहते हैं? मैं बॉलीवुड पे म्यूज़िक और सिंगिंग करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि लोग मुझे मेरे म्यूज़िक और मेरी सिंगिंग के नाम, दोनों के नाम से बॉलीवुड पे जाने।
और बॉलीवुड ही नहीं, मैं छत्तीसगढ़ पे भी म्यूज़िक देना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ का म्यूज़िक म्यूज़िक बहुत अच्छा है, बट पता नहीं यहाँ ऐसा है कि हिंदी को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं म्यूज़िक में। वो चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के हैं तो हम छत्तीसगढ़ ही गाएँ। ऐसा नहीं है भाई, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हम तो कहीं भी गा सकते हैं, तो क्यों नहीं हम छत्तीसगढ़ का एक टेक्सचर लेके, एक एसेंस डाल के हिंदी में कुछ करें, तो वो मेरा एम है। चलिए गौरव जी, हमने आपको बहुत अच्छे से सुना, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे नेशन अपडेट के दर्शकों के लिए अपना कोई एक प्यारा सा गाना गा के हमारे दर्शकों को सुनाइए। मैं अपने जो ओरिजिनल सॉन्ग है परफेक्ट अजनबी, जो जिसपे ऑलमोस्ट 10,000 व्यू है, मैं वो उसकी कुछ लाइनें सुनाना चाहूँगा आपको। जी, आँखों से होने वाली बातों से कहानी बनती, मुलाकातों से अजब है ये दिलों के किस्से बनते हैं किसी बहाने से। वो ही तो है मेरी परफेक्ट अजनबी, मेरी परफेक्ट अजनबी। जब से देखा है उस उड़ती परी को, जब से देखा है उस उड़ती परी को, दिल धड़क जाए हाय रुकता नहीं वो। थैंक यू। गौरव जी, हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए अपने नेशन अपडेट की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आप ऐसे ही गाते रहिए और हमारे रायपुर का नाम बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाइए। थैंक यू सो मच। ऐसे ही रायपुर के हमारे उभरते कलाकार से रूबरू होने के लिए देखते रहिए nationupdate.in। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल nationupdate.in।